चौधरी मेहर सिंह की हिट रागनिया भाग नंबर 2। तो पहले एक भजन के द्वारा क्या रचा चौधरी मेहर सिंह ने अपनी कलम से, क्या लिखा एक भजन के द्वारा, कैसे दर्शाया भला, क्या कहा? मानत खोज सबर की, हे रदे दे मत मुठी बिछे, अर रहा नहीं कोई सबने गाना, दो जन आके वो पीछे बड़े बड़े हो चले गए रंग, बड़े बड़े हो चले गए दुनिया का रक्षा सुनिए, जीव पिंजरा बंद पहोरे में रावण का बसाया सुनिए, श्याम चंद्र से रखी लड़ाई तकदीरी पासा सुनिए, आप मरिया और कुटुंब खपाया तोड़ कति खासा सुनिए, आप मरिया और तोड़ कति खासा सुनिए, जो गगन चढ़ी फराट करे धीरे फराट करे टूट दादा गिर की नीचे, रहा नहीं अरे सब में दाना दो जन आग और पीछे, रजी बल बल दे दोर की तेरे मत मुखी नीचे, कितनी बड़ी क्या कितनी बड़ी पृथ्वी डंगा तेनाली की तक से बलवान जगत में ना ओरा में थका करते, जो राशन से सब बालक से सभी लोग काजा करते, एरना को से दोष्ट जगत में भगत मारे ताप्या करते, एरना को से दोष्ट जगत में भगत मारे ताप्या करते, और लाखा यतन नाम गणा दे लाखा यतन नाम गणा दू, और आँख खोल मत नामी दे रहा नहीं अरे कुछ पूरब कोर कुछ पश्चिम कुछ उत्तर दक्षिण के राजा और नवाब बादशाह छोड़ अमीर से चले, अरे कुछ जन खतर आए थे फिर मैं भी वापस लेट चले, स्टेशन से जकत कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले, स्टेशन से जकत कटा के
ਰੱਬਨ ਪਈਆ ਬਨ ਲੈਨ ਚੈਨ ਆ ਰੱਬਨ ਪਈਆ ਬਨ ਲੈਨ ਚੈਨ ਆ ਮੋਤਰੇ ਲ ਸਬਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਅਰ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਪਰਖੇ ਬਨ ਚੱਲਾ ਖੋਟਾ ਲੈ ਖੜਿਆ ਹੋ ਨਾ ਕਹ ਘਾਟ ਮੇਹਰ ਸੰਗ ਕੇ ਗਾਮ ਜਿਸ ਸੰਦ ਮੈ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋ ਨਾ ਈਸਾ ਜੀ ਵਸਰ ਕੋਣ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ ਹੋ ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਲੱਕੜ ਬਾਗ ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਅਟਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਭੋਲਾ ਸੁੱਖਾ ਲੱਕੜੇ ਅਟਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਭੋਲਾ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਕੀ ਰਦਾਸ ਛੋੜ ਦੇ जब पवन भू प्रार्थना कंजना से मिलता है तो किस तरह से क्या क्या कहती है वो अंजना कैसे क्या बता बोला ओ राम रमी तेरी शर्मा थे पे आज क्यों कर पाई हो राही तने ओ 12 साल में ओ 12 साल में आज आन के वो चुंकर शरद खाई तने राम रमी तेरी शर्म माथे पे चुंकर पाजी राही तने ਕਰਵਾ ਕਦੋਂ ਵਾਗ ਦੇ ਦਿਆ ਮੈਂ ਨੇਮ ਧਰਮ ਪੈ ਜਟੇ ਗਈ ਸੁਭ ਕਰਮ ਦੀ ਕਰੇ ਬਤੇ ਰਿਹੋ ਅਲਗ ਪਾਪ ਤੈ ਹਟੇ ਗਈ ਨਿਤ ਊਠ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਤ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹੋ ਰੱਖੇ ਗਈ ਜੇ ਜੋ ਬਨ ਨਿਵਾ ਕੇਸੀ ਤੇਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾ ਮੈਂ ਲਗੇ ਗਈ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕਰ ਛੋਟੀ ਲੁਗਾਈ ਤਲੇ ਰਾਮ ਰਮੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਚੱਪ ਚੁੱਕਰ ਪਾਜੀ ਰਾਈ ਤਲੇ ਜਸੀ ਮੁਨੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਗਰ ਗਾਪਕੇ ਭੂਤ ਭਵਿਸ ਵਰਤਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਯੇ ਤਿੰਨੋ ਤਾਪਕ ਪੀਰ ਮਰਦ ਕੇ
बारे में कथा ऋषि महात्मा आपके हुआ जती मर्द ने सती वीर का छोड़न का गाना पाप है जती मर्द ने समाई तने राम रमी के शर्मा के पे ओ मारा दान में जान के चुक्कर से रखाई तने राम रंग तेरे शर्मा के पे चुक्कर पाई राई तने कर्म करे के पाप रपन ने भगवान खोल के दिखे थे बे माता के लेख लेख में गाट तोल के दिखे थे सो सो मन की झाल जगर में रोज डोल के दिखे थे तेरे बनाई से रंग में लामे मन काग बोलत के दिखे थे तेरे बनाई से चुकर सर क्या हुआ चुकर वो मेरे पताली तने राम रमे तेरे शर्मा के हाँ क्यों कर दिया तो वह गतन तेरे वेदगात का पाया ना मन जो का आटा शेर मिला और कहीं धन माया ना तुम्हें लदवा की चढ़ के चले बारह साल तक आया ना कदे मन की बात नहीं बूझी तने प्यार वीर का चाया ना मन की बात मेर संगई बे कल कच्चा हुआ झूठी तारे सफाई तने राम रमी तेरे शर्मा के पे चुकर पाई राई तने ओ मोर कल में जियान के चुकर से रंग काई ओ तने राम रमी तेरे एक बात अब कैसे के चलते हुए वो ताप सिंह सौमति को क्या समझाता ड्यूटी पे चलने लगा तो चौधरी मेर सिंह ने किस तरह से उस हालात को कलम बंद किया कैसे क्या बताया बल्हा अरे परदेसा नर जा सुर गोरी हलो हसये मत परदेसा नर जा सुर गोरी लोग हसये मत मारे खानदान की इज्जत करे नानकी तक
ਪੜੇ ਪਰ ਪਾਟੂ ਰਲਿਆਣਾ ਸਮਰ ਆਮੜੀ ਦਾਣਾਈ ਵੱਟ ਪੜੇ ਪਰ ਪਾਟੂ ਮਦੋਪਨ ਕਰ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਕਰ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਚਮਦਣ ਦੋਗੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਖਾਈਏ ਮਦੀਨਾ ਪਰ ਤੇ ਸਾਨੇ ਸੁਣ ਪਈ ਚੌਧਰੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੀਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਡਰਾਵਰੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੀ ਭਾਈ ਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਆ ਕਹਾ
वो क्रागनी के द्वारा कैसे दर्शाया क्या बताया भला। रंगे पीर पानी अर पुल नहीं किसे के प्यारे अरे पितर ने कभेद नहीं दे मीठे बोल सारे अरे पीर पानी अर इन पीरा के आग लंक महला की गौतम के घर गया चंद्रमा बना दुष्ट नर बाकी वर्ष गई बच्चा दे गए राड पीर पी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए की और रे बैरागी रे बड़े बड़े ऋषि मुनि होए ताकी और जिसने करया रे प्रेम वीरत वह नर धोखे में मारे रे पीतर ने का भेद नहीं रे ख्याल कर इतना ज्ञान नहीं से और इन चारों तपट कहने कोई बेईमान नहीं से चीज काट के आगे धरते पर बनिए का शान नहीं से चीज काट के आगे धरते बनिए का शान सग बालक भूखे मर गया बालक भूखे मर गया पर ना दाम करा रे जो सारी देर ही भीतर पांधरते है तक यार की नारी तेरा मिथर बंदर राजी रहोगे प्रभात का खतर दारी तेरा चलती बढ़िया यो सोचो यार मिले जवारी रे ये चलती बढ़िया तेरे गाली हथ करिए आजा रखर ले ए गाले ये आजा करे और दिखे दिन में तारे रे नहीं दे रे के बोल सारे ए वीर वाला ए पुलिस करे वाले नहीं किसे और
ਸਾਧ ਕਰਨ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰਣ ਤੈ ਆਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਦ ਕਦ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮ ਮੋਟਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛਾ ਦਾ ਮੋਟਰ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਬਲਕਨਾ ਗਾਲਾਂਗੇ ਪਰ ਛੋਰੇ ਨੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੀ ਯੇ ਮੌਕੇ ਪੈ ਟਾਲਾਂਗੇ ਚਾਰੋ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਦ ਤੇ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰੋ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਚਾਰੋ ਲੱਜ ਮਾਰੇ जब भी आप खरीदे हरियाणवी संगीत के पूरे मजे के लिए मैना कैसेट ही खरीदे। और हाँ, जब भी खरीदे मैना कैसेट खरीदते वक्त कैसेट पर मैना कंपनी का ट्रेडमार्क जरूर देख लेवे, क्योंकि घटिया और डुप्लीकेट कैसेट आपकी टेप रिकॉर्डर को तो खराब करती है और आपके संगीत का मजा भी किरकिरा करती है। इसलिए दोस्तों बहन और भाइयों सावधान, नकली घटिया और डुप्लीकेट कैसेटों से सावधान। हमेशा मैना कंपनी की ओरिजिनल टेप कैसेट ही खरीदें, जो आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है। और एक राग नहीं है भाइयों के सामने, मैना कैसेट कंपनी की तरफ से भेज सके जिस वक्त राजा वीर विक्रमादित्य खांडे राव पुरी को अपने चुबारे में केस सुखाते हुए देखता है तो देख के उसकी तरफ आकर्षित हुआ और एक बात के द्वारा अपने दिल के भाव किस तरह से प्रकट करता है, कैसे क्या बता। आर रम झम रम झम हो तीर गावे जनु मोती र चमक चेहरे पर के रम झम रम झम हो तीरा मोती र चमक चेहरे पर के रम झम हो तीरा मोती चमक चेहरे पर के बोल पड़े नर रुके मारो बोल पड़े रुके मारो गुहांडे रटन बंदरे पर के रम झम रम झम हो तीरा मोती चमक चेहरे पर के रम झम रम झम हो तेरा सो था जब सपने में मन स्वर्ग दिखाई देता अरे एक मानस मेरे पादा पे एक पान में खाई देता सो था जब सपने में स्वर्ग दिखाई देता एक मानस मेरे पादा पे एक पान में खाई देता और एक रागनी है भाइयों के सामने के जब आजादी की जंग छिड़ी हुई थी सुभाष चंद्र बोस घर से निकलने लगे तो उसकी भाभी एक साड़ी की फरमाइश करती और ये कहती है कि उस साड़ी में ये चीजें होनी चाहिए और कैसा क्या बता भला। बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक नराड़ी बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक नराड़ी बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक नराड़ी बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक
तके साड़ी ऊपर फोटू में भारत के सभी यार ये हो तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो और रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर ज्वार भी हो हंसते हंसते जेल के अंदर पढ़ने में जो प्यार पियो काला पानी ही पोचा हो वीरो न जाने खपाली बो सही सही लगे हो इसकी तो मैं के निराली बो सही सही लगे हो ये तो मैं के चंद्र शेखर आजाद का फोटू ऋषि बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ मेरे दोस्त भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मजोस भी हो ओ जलिया वाले बाग का जलसा डायर फायर करता हो उसका बदला लेने में लंदन में शेर भी फिरता हो उद्धम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो डायर मारा अब मरिया ना पार गया खाली वो सही सिसाई डाय हो जिसकी तमा कैन राली वो सही सिसाई डाय हो जिसकी तमा कैन दके राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में दके खाते हो राजा हरिचंद सत के कारण काशी में बिक जाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीस चढ़ाते हो राजा मोर ध्वज लड़का चीर के कृष्ण का शेर जमाते हो हरनाथ पुष्पर नाद भगत को खम बखड़ाते हो राजा और विक्रमादित प्रजा का जो कष्ट मिटाते हो जन आजादी का हो मिलके पूजे सब दिवाली हो साड़ी लगे हो रामायण महाभारत और गीता धार्मिक इतिहास भी हो आजादी आती दिख और गुलामी का नाश भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो कहे जात मेरे संग नो कहे गुरु लक्ष्मी चंद्र मंगी में हो किसानों का सच्चा सेवक सर छोटू राम भी संग में हो भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी की दंग में भारत के नक्शे में दिखे आरी और पारी बस और एक रागनी कैसे के भाई बॉर्डर पर जाके और जब लड़ाई छिड़ जाती है तो वहां पर क्या माहौल होता है चौधरी मेहर सिंह ने क्या लिखा है कविता में क्या बताया भला हे रमुदे पड़ पड़ गोली मारे जब राम याद लगाई
नीचे चले ये टंक करियो रे, नीचे चले टंक करियो रे, ऊपर जा हवाई मुंडे पड़ पड़े गोली मारे ऊपर जा हवाई मुद्दे पर पड़े गोली मारे आवे याद लगाई तेरा नीचे तले टंग करियर ऊपर जा हवाई तेरा मुद्दे पर पड़े गोली मारे के भरती होगा भरती होगा रे भरती होगा भरती होगा लगाव माया मन में भरती होने की बेदन तेरे छड़ी हुई थी तन में छह महीने में हम तान होया था पास होया एक छन में अरे 29 तारीख गरमा मिला है 41 तेरा रंग रोटी की छुट्टी गया रंग रोटी की छुट्टी गया मेरी करा बहु ना पाई मुद्दे पड़ पड़े गोली मारे अरे नीचे चले टंग करियो रे अरे ऊपर जा रे के मेरी भाभी नो हम मेरी भाभी नो बोली हो देवर कितनी छुट्टी आया जब तक सुनी तेरे आमन की हम मन में लगा वो माया मैं तेरी भाभी हो तू मेरा देवर मेरी खातिर के तू जाया आये मैं बोलिया प्रेम का भूखा कती नहीं शर्माया मोटी मोटी आँखा के माँ मोटी मोटी आँखा के माँ और गली का तब की शैली मुझे पड़ पड़े बहु लेन बीर जाना था मन बहु लेन बीर जाना था मेरी छुट्टी थी भाई थोड़ी पीड़ी पटी जन लकड़ा जब मन पहली लड़ी आ गए जा मेरी सास लड़ी तक धीर राम ने बोली आए तेरे चक्कर में सूखली छोड़ी किसे दिन की न छोड़ी अरे बहु न छोड़ के यो भरती हो जा बहु न छोड़ के भरती हो जा जो किसा बेकूफ जमाई तेरे मुझे पड़ पड़े गोली मारे तेरे नीचे तले टंग करियो रे और ऊपर जा जवाई तेरे मुझे पड़ पड़े गोली मारे अरे काम तो लकड़े पाछ में लिया बैठ बहू की जड़ में
मुश्किल ते घूंघट खुलवाया गोटा ला ककर भूरा रे भूरा रे गात भूर का सांस आवता दर में आय मिठी मिठी बोले थी तनु कोयल कोल बने में आय मेर संग न बैठ तंबू में मेर संग न तंबू में ये चारों कली बनाई और एक राग भी अब के चौधरी मेर सिंह सोए हुए थे अचानक उठ जाते हैं और उसके साथी ने बोझ लगे के बात है न बोला बस सपना गजब का आया मैंने और किस तरह से न बोला कि उड़ दिखाई दी और सपने का वर्णन करता है और क्या क्या कहता है क्या बता बोला ये रखे सपने का जगर करू रे एक मूर न करेगी जड़का अरे नखरा करके मन जगा दी सुते का हाथ पतरे ये सपने का नकर करू ले हूर न करेगी जड़का सपने के मां घरा डगर गया अरे सपने के मां घरा डगर गया ले दस दिन की रा छुट्टी फिर मन देख के वा मेरी बोढ़िया पीढ़े पर ते उठी अरे गाता पता रे नगर गली जेवा भरण लागी जी मुठी बुरी बुरी अंगरिया मवा पैर रही थी गुटी बोरे बोरे अंगरिया मवा पैर रही थी और चार पहर तक हम बदलाए चार पहर तक हम बदलाए एक पुकल के पर गए नखरा करके सपने के माँ सपने के आज रात में आज्ञा ख्याल बहु कर जड़ में बैठ के बूझ लिया मन सारा हाल बहु कर गोल गोल मुख चंदा रखे सा मुख डाल बहु कर आग लगना ठीक होलिया करया होया गाल बहु करे आज लगना ठीक होलिया करया होया गाल बहु करे ओ कहते आज नाम कटा के हो कहते आज नाम कटा के नाम रुकुए मैं पड़े Yeah.
छोटा भाई कमरे बीच बुलावे गे मैं पहला चली जाते वो पछेत आवे देखे ओटू पैरू संगरू ते क्या दुनिया पूरी बतावे अपनी प्याही की तरिया वो सारे हुक्म चलावे हो अपनी प्याही की तरिया वो सारे अरे जिसा सपना मन याद आया रे जिसा सपना मन याद आया इस सबके सत्य जो करते नखरा करके मन लगाई देखा हाथ पर तेरे ये सपने का नखरा रूले के पूरे रख नहीं करके ओ नखरा करके मोहब्बत ने घेर लिया जनु मकड़ी ने पूरा जाला रे अरे पूरी पूरी छोटी पैदल खनवारी ची बाला रे जय छोरा ले देख बहू ने खाके पड़े दवारा रे करे बरोली रे करे बरोना करे बरेली रे करे बरोना सूते की छाती तड़के रागनी के रात के समय अंदर राजा और रानी विश्राम कर रहे थे महल के अंदर और बाहर अजीत सिंह और राजबाला दोनों पहरे पर थे। राजबाला ने भी मर्दाना भेष धारा हुआ था। सावन का महीना ठंडी फुहार पड़ रही बिजली चमक रही तो औरत थी एकदम काम वासना जागृत हो जाती है और मन के भाव प्रकट करती है। पतिदेव अगर उस सेठ का कर्जा ना देना होता तो जैसे राजा रानी आज अंदर महल में विश्राम कर रहे हैं हम भी एक साथ विश्राम करते हैं। और किस तरह से वो राजवाला अपने दिल के उद्गार भाव प्रकट करती है और राजा सो चुके थे रानी जाग रही थी और वो अपने चर्चा करते हैं किस तरह से क्या कहानी बनती है क्या बताते हैं। ओ बदल गरज ये बिजल पाट तेरे सनाया बैरण चतन चाट ओ बदल गरज बिजल पाट तेरे सना बैरण चतन चाट पिया तू न्यारा मैं नारी ऊपर रात में सब सोवे नर नारी ओ बादल गरज बिजल पाट दर्शना पैर चतन चट पिया तू नारा मैं नारी
राज बल्ला जखड़ी पैरिए पे रानी आराम करेंगे मेरा जीव जीवता मरेंगे सास किसे सबर के भरे वो राज बल्ला भरे धरे न तू पण में शर्म जान सजन में ओरी सुगल तान धरे न तू पण में शर्म जान सजन में ओरी सुगल तान हाथ में देख दो दारी हर पाए ऊपर रात में सब सो में नरनाई बादल छा गए देख बरसन नहीं आ गए घटा तल बगले ना गए वो सामने का बादल छा गए देख बरसन नहीं आ गए घटा तल बगले ना गए आ गए हम कर्मा के नरभाग किते तुम सूता होत राज आ गए कर्मा के नरभाग किते तुम सूता होत राज बोले तेरे दिल की याद प्यारी हर पाए ऊपर रात में सब सरवर बाला जकरा मत करे ऐसा ना हो कि कोई हमारी बात सुन ले और हमारा भेद खुल जा हमारा भरम पाट जागा और कैसे क्या कहती है वो राजबाला ठंडी पड़े फवार पिया बने सामण हो किसान नारंगी जो दामण हो किसान ज्ञान बने जो ब्राह्मण हो किसान ठंडी पड़े बने सामण हो किसान नारंगी दामण हो जिसा वो पशुओं के मडोर उठरी बागा के मलोर जसे पशुओं के मडोर उठरी बागा के मलोर दया करो कृष्ण मोरारी हर पाए ऊपर रातन सब सोए नरनारी I'm not afraid of the dark.
के राजवाला के पतिदेव हम जो वीर मर्द के रूप में भेष में होते तो मैं तेरी सेवा नहीं करती जैसे राजा रानी विश्राम कर रहे हैं आनंद उठा रहे हैं वही काम मैं करती। ने बोले अरे चुप हो जा राजवाला मरवा वगी तो और आखिर में वह राजवाला क्या करती हरजीत सिंह को क्या बताया प्राण पिजारेंगे पिया तेरी मैं टहल रहूं सेवा पहल रहूं मेरे संग तेरी गल मैं रहूं प्राण पिजारे पिया तेरी टहल रहूं सेवा पहल रहूं मेरे संग सबूंगी दुख सुख सारे मैं चरणा की दासी सबूंगी दुख सुख सारे मैं चरणा की दासी जिंदगी काटूंगी सारी संगीत के पूरे मजे के लिए मैना कैसेट ही खरीदें। और हाँ जब भी खरीदें मैना कैसेट खरीदते वक्त कैसेट पर मैना कंपनी का ट्रेडमार्क जरूर देख लें क्योंकि घटिया और डुप्लीकेट कैसेट आपकी टेप रिकॉर्डर को तो खराब करती है और आपके संगीत का मजा भी किरकिरा करती है। इसलिए दोस्तों बहन और भाइयों सावधान नकली घटिया और डुप्लीकेट कैसेटों से सावधान हमेशा मैना कंपनी की ओरिजिनल टेप कैसेट ही खरीदें जो आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है।